हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम कहानी से संबंधित विवाद और किन विद्वानों ने किसे प्रथम कहानी माना है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजेंद्र बढ़वालिया ने रेवरेंड जे न्यूटन की कहानी एक जमींदार का दृष्टांत, जिसका प्रकाशन वर्ष 1871 है, इसको प्रथम कहानी माना है। बच्चन सिंह ने प्रणयिनी परिणय 1887 को, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, इसको प्रथम कहानी माना है। और वहीं रामचंद्र शुक्ल किशोरीलाल गोस्वामी की ही रचना इंदुमती को, जिसका प्रकाशन वर्ष 1900 है, उसे प्रथम कहानी माना है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में प्रकाशित माधवराव सप्रे की रचना है, जिसको देवी प्रसाद वर्मा जी प्रथम कहानी मानते हैं। और वहीं लक्ष्मी नारायण लाल रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कहानी 11 वर्ष का समय 1903 में प्रकाशित, इसको प्रथम कहानी मानते हैं। और भवदेव पांडे तथा राय कृष्णदास बंग महिला द्वारा रचित रचनाएं चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, भवदेव पांडे इसे प्रथम मानते हैं। और वहीं राय कृष्णदास धुलाई वाली 1907 को प्रथम कहानी मानते हैं। उसने कहा था 1915 में प्रकाशित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, जिसे राजेंद्र यादव जी प्रथम कहानी मानते हैं। तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निर्दिष्ट किया है, यानी बताया है कि आरंभिक कहानियाँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए जान लेते हैं इनको। इंदुमती और गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, और जो कि इनका प्रकाशन 1900 और 1902 ईस्वी में हुआ सरस्वती पत्रिका में। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की रचना है, 1902 में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल 1903 ईस्वी में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका में। पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी की रचना है, 1903 में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में। और वहीं दुलाई वाली बंग महिला, यानी कि राजेंद्र बाला घोष की रचना है, 1907 में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में। तो दोस्तों, अब जानते हैं प्रेमचंद पूर्व युग के प्रमुख कहानीकार तथा उनकी कहानियाँ। राजेंद्र बाला घोष यानी कि बंग महिला, इनकी चार कहानियाँ प्रकाशित हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907 और दालिया 1909। केशव प्रसाद सिंह आपत्तियों का पहाड़ 1900 ईस्वी, चंद्रलोक की यात्रा 1900 ईस्वी। माधव प्रसाद मिश्र की रचना है मन की चंचलता 1900, पुरोहित की आत्मत्याग 1900 ईस्वी। गिरिजा दत्त वाजपेयी पति का पवित्र प्रेम 1903 ईस्वी, पंडित और पंडितानी 1903 ईस्वी। लाला पार्वती नंदन, जिनको गिरिजा कुमार घोष के नाम से भी जाना जाता है, बिजली 1904, मेरी चंपा 1905, एक के दो दो 1906, मेरा पुनर्जन्म। कार्तिक प्रसाद खत्री दामोदर राव की आत्मकहानी। वेंकटेश नारायण की एक अशर्फी की आत्मकथा 1906 ईस्वी। सूर्य नारायण दीक्षित की रचना चंद्रहास का अद्भुत आख्यान 1906 ईस्वी। वृंदावन लाल वर्मा राखी वंद भाई 1909 ईस्वी। और तातार और एक वीर राजपूत 1910 ईस्वी। राधिका रमण प्रसाद सिंह कानों में कंगना 1913 ईस्वी। कुसुमांजलि गांधी टोपी 1938 ईस्वी में ये दोनों कहानियाँ प्रकाशित हुईं। श्रावणी क्षमा 1938, चर्चित कहानी इनकी रही बिजली। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक रक्षाबंधन 1913, गल्फ मंदिर 1919, चित्रशाला भाग एक 1924 ईस्वी और भाग दो 1929 ईस्वी, कल्लोल 1933 ईस्वी, प्रेम प्रतिमा मणिमाला। चंद्रधर शर्मा गुलेरी सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।